हाय फ्रेंड्स मैं बापी और मेरे लव गार्डनिंग चैनल फ्रेंड्स आप लोग एक बार फिर से वेलकम है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स कल एक मैंने वीडियो बनाए थे उसी वीडियो के टॉपिक में एक कमेंट भी आया आया था कि रोजेज में कैसे वाटरिंग करना चाहिए फ्रेंड्स तो उसी विषय से फ्रेंड्स आप लोग को एक थोड़ा जानकारी देना चाहिए कि वाटरिंग कैसे करना चाहिए और उसका पॉटिंग सॉइल कैसे बनाना चाहिए प्लस आपका क्या बोलते हैं फ्रेंड्स जो पॉटिंग मिक्स है वो कैसी होना चाहिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा पॉटिंग मिक्स कैसा है आप खुद देख सकते हैं हमने कोई मतलब फ्रेंड्स कोई औजार का यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई टूल्स का यूज नहीं कर रहे हैं ओनली फ्रेंड्स हाथ काफ़ी है गुड़ाई करने के लिए मेरा निराई गुड़ाई करने के लिए आप उसका मिट्टी का सॉफ्टनेस देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्टनेस है मिट्टी का आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स ये देखिए आपका मेरा मिट्टी हमने हाथ से उठा रहे हैं अगर हाथ से उठा रहे हैं मिट्टी जैसे ही छोड़ेंगे फ्रेंड्स तो मिट्टी मेरा पॉट के मतलब एक बिल्कुल आपका देखिए मतलब एक पाउडर बन जा रहा है तो मिट्टी फ्रेंड्स ऐसे मिट्टी बनाए हम ताकि मतलब मेरा रोजेज आसानी से ग्रो हो सके रूट का विकास आसानी से हो फ्रेंड्स इसी विषय से फ्रेंड्स आप लोग से थोड़ा जानकारी नहीं चाह जानकारी देना चाहते हैं कभी भी फ्रेंड्स पॉटिंग मिक्स बनाए हैं हम लोग तो पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते कोई सा भी प्लांट देख लीजिए मेरा कोई सा भी पौधा देख लीजिए वहीं पैसा जैसे मेरे हाथ से ही गुड़ाई करते हैं निड़ाई गुड़ाई की मेरे कोई टूल्स का जरूरत ही नहीं पड़ता है मेरा टोल्स साइड में रखा है फ्रेंड्स लेकिन मतलब अगर मेरा हाथ ही काफ़ी है तो टूल्स का काय लीजिए मिट्टी जितना और मिट्टी एक चीज़ और प्लांट्स फ्रेंड्स क्या होता है मिट्टी में जितनी हाथ लगाओ उतनी तो मिट्टी सॉफ्ट होते जाता है कभी भी मिट्टी को जैसे आपने उसमें रूट का भी कोई दिक्कत नहीं होता फ्रेंड्स पेड़ पौधे का उसमें खुरपी चलाएंगे तो रूट की कटाई छटाई होता और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स रूट की मतलब रूट मेरा टूटेगा नहीं आप एक तरफ से देख सकते हैं और एक तरफ़ से क्या होता है मिट्टी जितनी हाथ लगाएंगे फ्रेंड्स कोई भी एनर्जी जो हमारे हाथों से एक एनर्जी निकलता है उसी एनर्जी से मेरा क्या होता है मिट्टी भी सॉफ्ट होते जाता है एक तो कुछ तो मतलब अपना हाथों में भी तो कुछ ऐसा मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि आप जैसे मतलब जैसे हाथ को छुएंगे मिट्टी को तो उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होता है तो उस एनर्जी में मेरा पौधा भी ग्रो करता है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तो आप छूँ मिट्टी कैसे मिट्टी देखिए मेरा मिट्टी कैसे हो सकता है तो आज आपको बताएंगे कि हम पोटिंग सॉइल कैसे बनाएं ताकि मेरा पौधा अच्छे से कैसे ग्रो हो सके फ्रेंड्स तो पोटिंग सॉइल बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले फ्रेंड्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका मतलब मिट्टी अगर मतलब आपके चिकना टाइप का मिट्टी है तो आप फ्रेंड्स रिवर्स सन्न का जरूर यूज कीजिए रिवर्स सन्न में फ्रेंड्स क्या होता है मिट्टी को भुरभुरा बनाने में बहुत मतलब आसानी करता है या तो फ्रेंड्स आप कंपोस्ट का यूज़ ज़्यादा कीजिए क्योंकि और कंपोस्ट में यूज कीजिएगा तो फ्रेंड्स कम से कम तो साल भर का पुराना गोबर की खाद लीजिएगा गोबर की खाद में हर तरह का न्यूट्रिशन रहता है फ्रेंड्स क्योंकि हर तरह का उसमें जितना आपको न्यूट्रिएंट्स एनपीके के अलावा जो जितना माइक्रो न्यूट्रेंट्स माइक्रो न्यूट्रेंट सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स रहता है फ्रेंड्स इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स काउडंग में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है जितना न्यूट्रिएंट आप अलग से डालते हैं फ्रेंड्स वो सभी न्यूट्रिएंट्स रहता है मेरे गोबर की खाद में इसलिए फ्रें फ्रेंड्स गोबर की खाद में जब पोटिंग सेल बनाओ तो ऐसा बनाओ कि बार बार हमें खाद का यूज ना करना पड़े ओनली हम स्प्रे से मिट्टी को हमें ख़राब नहीं करना फ्रेंड्स जितना मेरा मिट्टी है जितना मिट्टी हो सके तो मि, मिट्टी को हमें साफ़ रखना है मिट्टी में कोई केमिकल नहीं यूज करेंगे और हाँ केमिकल अगर यूज करना है फ्रेंड्स तो आप यूज कर सकते हैं केमिकल तो आप पोटिंग सॉयल में मत यूज कीजिएगा फ्रेंड्स केमिकल आप केमिकल यूज करना है तो फ्रेंड्स आप स्प्रे कीजिए स्प्रे कर सकते हैं बिल्कुल उसके लिए बेसिक आप एन पी के और एपसमसल्ट का स्प्रे कर सकते हैं लेकिन आप ऑर्गेनिक जितना हो सके फ्रेंड्स मिट्टी में ऑर्गेनिक डालिए ऑर्गेनिक में क्या होता है फ्रेंड्स मिट्टी आपको बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है उसमें उसी सॉयल से आपका बार बार आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको किसी थोड़ा सा गोबर खाद डाल दें आपका न्यूट्रंस मतलब बिल्कुल मतलब फिर से उतने के उतनी हो जाएंगी फ्रेंड्स क्या रिचार्जेबल हो जाता है और केमिकल डालने से क्या हो जाता है फ्रेंड्स आपका पीएच का हमेशा एल्कल हो जाएगा पीएच केमिकल आपका जैसे ही मतलब कोई डी यूज करो न और कुछ भी केमिकल यूज करो तो केमिकल आपका पीएच बैलेंस को मतलब ख़राब कर सकता है इसी विषय से फ्रेंड्स आप लोग को यही जानकारी देना था कि वाटर आप सर्दी के दिन में कम से कम एक दिन बाद दीजिए एक दिन बाद दीजिएगा तो आराम से आपका सॉइल मेंटेन रहेगा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स और हो सके तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा आप लोग तो देखिए फ्रेंड्स मेरा सॉयल मिक्सचर कैसा है आप खुद वीडियो के थ्रू देख सकते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छे लगे थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स